everyone. This is Manish Mandre. I'm a faculty of English language. I hope you all are doing well. And this is the new session. And in this session, I will discuss about some phrasal verbs. So there are 8 phrasal verbs which will be very important for you in your daily conversation as well as for your examination also. So there are 8 phrasal verbs and we are using word break and out. And there are so many prepositions here. So first of all, you have to understand what is phrasal verb. So I'm going through bilingual that all the students could understand what I'm saying. So कहने का मतलब ये कि यहाँ पर हम कुछ phrasal verbs को यहाँ पर discuss करेंगे. अब सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि phrasal verb actual में होता क्या है. So देखिए phrasal verb एक ऐसी verb होती है जिसमें verb plus phrasal verb, verb plus और प्रपोजिशन मतलब दो चीजों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर रहेगा. दो चीजों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर है. दो चीजों को मिलाकर हम लोगों ने बनना ये एक नया वर्ड हमने जो बनाया है उसको हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब. किस चीज का कॉम्बिनेशन है तो देखिए एक होता है यहाँ का प्रपोजिशन और एक यहाँ पर होता है आपका वर्ब. सो इनको हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब. अब समझना है कि इनका वन वाबन का मीनिंग क्या होता है. फ्रेजल वर्ब मतलब ये है इसका एक मीनिंग भी हो सकता है और एक से कई ज्यादा मीनिंग भी हो सकते हैं. मल्टीपल मीनिंग्स भी इसके हो सकते हैं. तो हम लोगों को पता नहीं होता कई बार न्यूज़ पेपर वगैरह हम लोग पढ़ते हैं या डेली कॉन्वर्सेशन में अगर कोई व्यक्ति हमसे इस तरीके की वर्ड यूज करता है तो हम लोग समझ नहीं पाते कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दीज पर्टिकुलर वर्ड्स. तो यहाँ पर मैं आपको कुछ 8 वर्ड्स आपको बताने वाला हूँ और इन सभी का बेस क्या है. इन सभी का बेस यहाँ पर है ब्रेक. अब आप सभी लोग इसको जानते हो ब्रेक क्या. ब्रेक मतलब तोड़ना तो किसी भी चीज को तोड़ना. अब इससे रिलेटेड कितने सारे वर्ड्स यहाँ पे बनते हैं प्रपोजिशन के यूज करके कितने फ्रेजल वर्ब हम यहाँ पे बना सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे समझते हैं. सबसे पहला हमारे पास है ब्रेकआउट. अब देखिए ब्रेकआउट ये जो वर्ड है इसके 2-3 मीनिंग यहाँ पर निकलते हैं. ठीक है ब्रेकआउट का मतलब जैसा आपने देखा अभी एक COVID-19 जो पैंडेमिक है ये सभी लोग जानते हैं. ब्रेकआउट मतलब किसी एक जगह से स्टार्ट होकर किसी बड़े लेवल वाइड लेवल पर फैल जाना किसी चीज का तो उसको हम बोलते हैं ब्रेकआउट. जैसे हम कह सकते हैं कि भाई ये चाइना से ब्रेकआउट हुआ COVID-19 और आज की डेट में पूरे वर्ल्ड लेवल पर ये फैल चुका है. ठीक है तो दिस इज कॉल्ड ब्रेकआउट. ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया. अब इसका दूसरा मीनिंग क्या होता है देखो आप इसको समझ सकते हो. एक मीनिंग से हो जाए क्या फैलना फैलना या फिर आप इसको कह सकते हो इंग्लिश में स्प्रेड. वही किसी भी चीज का स्प्रेड जो होता है उसको क्या बोलते हैं ब्रेकआउट हो गया. हम बोलते हैं यार जैसे आपने को भोपाल गैस कांड था तो हम बोलते हैं यार जो गैस थी दैट इज ब्रेकआउट तो ब्रेकआउट हो गई. तो ये हम यहाँ पे बोल रहे हैं ब्रेकआउट का पहला मीनिंग हम लोगों ने यहाँ पे समझा है. दूसरा मीनिंग इसका क्या होता है ब्रेकआउट. जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोगों की जो स्किन होती है उस स्किन के ऊपर कुछ रेड रेड स्पॉट्स उठ जाते हैं. दैट मे बी एलर्जी. वो कोई एलर्जी हो सकती है कुछ और हो सकता है उसकी बॉडी पर जो रेड स्पॉट्स आ जाते हैं रैशेस जिनको हम बोलते हैं. क्या बोलते हैं उनको रैश बोलते हैं उनको. ठीक है तो जो स्पॉट उठ जाते हैं रेड रेड तो किसी चीज का एक तरीके से डिसीज भी कह सकते हो आप. अब रेड स्पॉट ठीक है मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि रेड स्पॉट जो होते हैं उनको भी हम क्या बोलते हैं देयर आर ब्रेकआउट ऑन हिज बॉडी. तो मतलब उसकी बॉडी पर ब्रेकआउट हो गया है या कह सकते हैं रैश ये जो रेड स्पॉट है वो उठ रहे हैं. तो आया समझ में. यहाँ पे 2 मीनिंग्स के यहाँ पे निकलते हैं ब्रेकआउट के. आई होप ये क्लियर होगा. आगे बढ़ते हैं हम लोग. अब बात करते हैं ब्रेक इन. सो देखिए गाइस ब्रेक इन के भी यहाँ पर 2 मीनिंग निकलते हैं. सबसे पहली बात तो ये होती है ब्रेक इन का पहला मीनिंग ये है कि कहीं पर इलीगल तरीके से या फोर्सफुल तरीके से एंटर करना. जैसे सपोज दैट आपने देखा होगा कि जो बर्गलर्स होते हैं या फिर रॉबर्स होते हैं चोर जो होते हैं उनकी हम बात यहाँ पर कर रहे हैं. अब वो किसी के घर में जाते हैं तो वो परमिशन लेकर तो नहीं जाते कि कैन आई एंटर या मे आई कम इन इस तरीके से तो नहीं पूछते ना. तो या तो वो आपको दरवाजे तोड़ेंगे या खिड़की तोड़कर घर से घर के अंदर आएंगे फोर्सफुली. कुल मिलाकर एंटर फोर्सफुली. आ रही बात समझ में. एंटर फोर्सफुली मैं यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आता जाए. ठीक है किसी के घर में फोर्सफुली एंटर करना है किसी के ऑफिस में फोर्सफुली एंटर करना तो उसको हम बोलते हैं ब्रेक इन. इज इट क्लियर. ये हो गया इसका पहला मीनिंग. अब इसका जो दूसरा मीनिंग बनता है दूसरा मीनिंग क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ. तो देखिए ब्रेक इन जैसे आपने देखा होगा कि यू परचेज अ ब्रांड न्यू जीन्स फ्रॉम अ मार्केट अ पेयर ऑफ जीन्स. तो आप कोई पेयर ऑफ जीन्स मार्केट से परचेस करते हो तो आप देखते हो दैट सीम्स वेरी टाइट. तो वो आपको बहुत ज्यादा टाइट लगता है. फिर आप लोग क्या करते हो पहन के उसको पूरा बॉडी मूवमेंट करते हो उधर उधर करते हो वो कई बार लॉन्ड्री पर देते हो उसको धुलवाते हो. ठीक है उसके बाद आप देखते हो थोड़ा सा लूज हो जाता है. तो लूज होने के बाद आप उसे पहनते हो फिर आप बोलते हो नाउ माय जीन्स ब्रेक आई एम कंफर्टेबल नाउ. ठीक है इज इट क्लियर और नाउ. देखो गाइस आपको ये पता होना चाहिए अगर आप कोई भी फ्रेजल वर्ब आप यहाँ पे यूज कर रहे हो तो उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है और किस सिचुएशन में उसे यूज करना है. यू मस्ट नो अबाउट द एक्सप्रेशंस एज वेल. आपको पता होना चाहिए. किसी भी चीज को लूज करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं. इज इट क्लियर और नॉट. ये दूसरा मीनिंग था टू लूज समथिंग. ठीक है किसी भी चीज को कंफर्टेबल बनाने के लिए. ठीक है
टू मेक कंफर्टेबल, क्या कह सकते हैं इसको, टू मेक कंफर्टेबल, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि किसी भी चीज को कंफर्टेबल बनाना। हम जैसे न्यू क्लॉथ खरीदते हैं वो हमारे टाइट होते हैं, बट हम उसको एक दो बार वॉश कर लेते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, बी मेक दम ब्रेक इन। तो हमने उन्हें कैसा बना दिया, कंफर्टेबल बना दिया, ब्रेक इन बना दिया। तो ये हो गए इसके दो मीनिंग। अब इसके एक और मीनिंग होता है वो भी समझिए आप लोग। ब्रेक इन ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए भी यूज हो सकता है सेम सेंस में, ठीक है ना। मैं यहाँ पर थिंग्स के लिए बता रहा था कि भाई जींस के लिए मैंने यूज किया है, बट आई कैन यूज दिस वर्ड एज वेल एज अ ह्यूमन बीइंग आल्सो। जैसे सपोज दैट देयर इज समवन केम फ्रॉम अनदर प्लेस, कोई व्यक्ति है बाहर किसी प्लेस से आया हुआ है, बट ही डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर प्लेस, वो इस प्लेस के बारे में नहीं जानता है। और हम लोग क्या करेंगे, हम उसको बोलेंगे यू विल बी ब्रेक इन विद इन फ्यू डेज। तो हम उसको बोलेंगे भाई तुम कुछ दिनों बाद ऑटोमेटिकली इस माहौल में ढल जाओगे, आपको सबको समझ में आ जाएगा। और वो व्यक्ति 10-15 दिन यहां पर रहेगा, यहां का माहौल समझेगा, तो वो क्या हो जाएगा, ही विल बी ब्रेकडन या ब्रोकन। हम क्या बोलेंगे, ही विल बी ब्रोक इन द एटमोस्फियर ऑफ भोपाल, ठीक है। इस पर्टिकुलर जगह के एटमोस्फियर में वो ब्रोक इन हो जाएगा, मतलब हैबिटेट हो जाएगा, उसकी आदत बन जाएगी, ठीक है। तो कुल मिलाकर आप इसका नेक्स्ट पॉइंट एक और समझ सकते हो, हम कह सकते हैं हैबिट, ठीक है। अगर कोई भी चीज हैबिटेट हो गया है तो हैबिटेट के लिए भी क्या यूज करोगे आप, ब्रेक इन। जैसे हम कह सकते हैं कि आई एम ब्रेक इन स्पीकिंग इंग्लिश, भाई मैं इंग्लिश बोलने में मतलब हैबिटेट हो गया, तो ब्रेक इन बोला मैंने यहाँ पे, ठीक है। इज इट क्लियर और नॉट, अगर कोई व्यक्ति फर्स्ट टाइम बोलेगा सो ही विल नॉट बी ब्रेक इन, ठीक है, उसे थोड़ा सा हेजिटेशन होगा, प्रॉब्लम आएंगी बोलने में, सो दिस इज कॉल्ड ब्रेक इन। तो यहाँ पे दो फ्रेजल वर्ब आपने समझे, और दोनों के कितने अलग अलग जो मीनिंग्स हैं वो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताता जा रहा हूँ, ठीक है। तो सभी लोग यहाँ पर भी देखते रहे और ध्यान से समझे पूरे कॉन्सेप्ट को, और बाद में भी आप इस वीडियो को देख सकते हो ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है ब्रेकअप। अब ये वर्ड तो सभी लोग जानते हो यार, जैसे यू ब्रेकअप विथ योर गर्लफ्रेंड योर बॉयफ्रेंड व्हाटएवर व्हाटएवर, ठीक है। अगर आपने किसी से कोई ब्रेकअप कर लिया है, मतलब तोड़ना, सीधी सी बात है, किसी चीज को तोड़ना, मतलब ब्रेकअप जो होता है तो उसमें भी क्या आपका जो रिलेशन है वो टूट जाता है, ठीक है। जो बॉय है वो देवदास बन जाता है, ठीक है, गर्ल का तो कुछ पता नहीं, ठीक है। तो इज इट क्लियर और नॉट, ये पहला मीनिंग था। ब्रेकआउट का मतलब, सॉरी ब्रेकअप का मतलब यहाँ पे क्या होता है, तोड़ना किसी भी चीज को। यहाँ पे मैं बताता जा रहा हूँ, आप समझते चलिए इसके मीनिंग्स को। जैसे हम कह सकते हैं, आपने देख लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि सी ब्रोक अप विथ मी, है ना। तो ब्रोक अप मतलब क्या, भाई जो रिलेशन था वो उनका खत्म हो गया। तो इज इट क्लियर और नॉट, और सुनिए। जैसे बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स जो होते हैं, ये पहला मीनिंग मैंने आपको बताया तोड़ना, रिलेशन तोड़ना, ठीक है। और आपने देखा जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, अपनी फर्म को ब्रेकअप कर देते हैं, क्योंकि जो फर्म अगर बड़ी हो जाती है तो कुछ लोगों को उसको हैंडल करने में प्रॉब्लम आने लगती है, जो आइटम्स होते हैं उनको हैंडल करने में प्रॉब्लम आने लगती है, तो फिर वो क्या करते हैं, उसके सब ब्रांड्स बना देते हैं, ठीक है, कुछ सब आइटम्स बना देते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज ब्रेकअप। इज इट क्लियर। जैसे आप लोग देखा होगा कि आप मोबाइल यूज करते हो एमआई का, ठीक है, बहुत सारे लोग एमआई का मोबाइल यूज करते हैं। अब एमआई तो है चाइना की कंपनी, ठीक है, अब बट इसी की जो सब कंपनीज ओपन है, जो बहुत सारे मल्टीपल ब्रांड्स के जो मोबाइल फोन बेच रही हैं, जैसे ओप्पो हो गया, रियलमी हो गया, ठीक है, सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स, समझ पा रहे हैं मेरी बात को। सो व्हाट एमआई ब्रोक अप, ये उसकी एक तरीके से सब ब्रांड्स हैं, या ये एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। सो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि आपने कोई ब्रांड्स ओपन किया है, उसके मल्टीपल चीजें मल्टीपल आइटम्स आप वहां पर बेच रहे हो, तो आप ऑनर तो एक ही है, बट क्या कर रहा है वो, उसको उसकी जो फर्म है उसको उसने ब्रेकअप कर दिया है। इज इट क्लियर, अलग अलग भागों में बांट देना, दैट इज कॉल्ड ब्रेकअप। आई होप की बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम यहाँ पे समझते हैं ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ का मतलब भी तोड़ना होता है, बट इसमें सेंस बदल जाता है, क्या है, सेंस बदल जाता है। जैसे सपोज दैट आपको मैंगो तोड़ना है किसी भी पर्टिकुलर जगह से, किसी पर्टिकुलर जो पेड़ होता है उससे, ट्री होता है, उससे आप मैंगो तोड़ते हो, हम क्या बोलते हैं, ब्रेक इट ऑफ, ठीक है, ब्रेक इट ऑफ या ब्रेक ऑफ द फ्रूट फ्रॉम द ट्री। तो क्या होता है, ब्रेक ऑफ मतलब एक तरीके से अलग कर देना, ठीक है। जैसे मैंने ये क्या है, इसको मैं इससे अलग कर देता हूं, दिस इज व्हाट, दिस इज ब्रेक ऑफ, इसको मैंने ब्रेक ऑफ कर दिया, अलग कर दिया है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ मतलब होता है अलग करना, तोड़ देना किसी पर्टिकुलर चीज के, दो भाग कर देना, सो दैट इज कॉल्ड व्हाट, ब्रेक ऑफ। इज इट क्लियर और नॉट, ठीक। आगे हम यहां देखते हैं ब्रेक डाउन। यार ये तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझते हो ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है, अगर नहीं समझते हो तो ध्यान से सुनिए। ब्रेक डाउन का मतलब देखो भाई, ये जो है आपका, ये मेंटली भी हो सकता है, फिजिकली भी हो सकता है, ठीक है। क्या है ये, जनरली मेंटल प्रोसेस की हम यहाँ पे यूज करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, अब वो बहुत ही ज्यादा मतलब प्रॉब्लम्स में है, परेशानी में है, तो अंदर से क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा, ठीक है ना।
हम बोलते हैं ही इज वेरी ब्रोक डाउन, ठीक है, या वो बहुत ज्यादा मतलब अंदर से टूट चुका है, ब्रेक डाउन हो चुका है उसका. सो दैट इज कॉल्ड व्हाट, ब्रेक डाउन. अब ये बॉडी में भी हो सकता है, जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाता है, थक जाता है, तो उसके लिए बोलता है यार माई बॉडी इज वेरी ब्रेक डाउन, आई एम फीलिंग ब्रेक डाउन टूडे, सो आई एम नॉट गोइंग एनी वेयर एल्स, तो मैं कहीं भी नहीं जाने वाला. सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज ब्रेक डाउन. तो ब्रेक डाउन समझ में आया, ये मेंटली भी हो सकता है, फिजिकली भी हो सकता है. इज इट क्लियर और नॉट, ये होता ब्रेक डाउन. आगे हम समझते हैं ब्रेक अवे. भाई सीधी सी बात है, ब्रेक अवे का मतलब क्या है, जैसे आपने देखा कि देयर इज सम काइंड ऑफ ग्रुप, ठीक है, अगर आप किसी ग्रुप के मेंबर हो, ठीक है, और यू डोंट थिंक दिस ग्रुप इज सुइटेबल फॉर यू, और आपको नहीं लगता कि ये ग्रुप आपके लिए अच्छा है, सुइटेबल है, तो आप क्या सोचोगे कि यार कैसे भी करके मुझे इस ग्रुप से बाहर निकलना है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, ब्रेक अवे. अवे का मतलब आप जानते हो, अवे का मतलब तो दूर जाना, किसी एक चीज से दूर हट जाना, तो वो क्या होता है, अवे होता है. तो ब्रेक आपको पता तोड़ना होता है, तो ब्रेक अवे मतलब किसी पर्टिकुलर चीज से अलग हो जाना. तो मतलब मेरा जो ग्रुप है, अगर मान लीजिए मैं उससे अलग हो गया तो क्या हो जाएगा, आई एम ब्रेक अवे फ्रॉम द ग्रुप, ठीक है, या मैं कह सकता हूं आई एम ब्रोक अवे फ्रॉम माई कंपनी, तो मैं अपनी कंपनी से दूर हो गया हूं, ठीक है. इज इट क्लियर और नॉट, तो किसी भी चीज से दूर हो जाना वो होता है ब्रेक अवे. इज इट क्लियर और नॉट. अब ये पॉलिटिकल वे में भी आप यूज करते हो, ठीक है, जैसे आपने देखा हो जो एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं, वो जनरली पार्टी छोड़ते रहते हैं, एक पार्टी छोड़ते हैं दूसरी पार्टी पकड़ लेते हैं, सो इन दैट कंडीशन ऑल्सो हम लोग क्या बोलते हैं, ही ब्रेक अवे फ्रॉम बीजेपी टू कांग्रेस, मतलब वो बीजेपी से कांग्रेस में आ गया, कांग्रेस से बीजेपी में चला गया, तो पॉलिटिकल टर्म में भी आप इसका यूज कर सकते हो, सो दैट इज कॉल्ड ब्रेक अवे. आई होप कि यहां तक सभी को क्लियर होगा. तो गाइस देखो, अभी हम बात करें ब्रेक इवन. सो व्हाट इज ब्रेक इवन, ब्रेक इवन क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं. तो देखिए, ब्रेक इवन का मतलब होता है जैसे यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ बिजनेस, ठीक है, आपने शेयर मार्केट में पैसा लगाया, बट ना तो आपको प्रॉफिट हुआ और ना ही आपको लॉस हुआ, तो आप क्या कह सकते हो, ब्रेक इवन, ठीक है. सो माई मनी इज इन ब्रेक इवन सिचुएशन, ठीक है, मतलब ना तो मुझे लॉस हुआ है ना ही मुझे प्रॉफिट हुआ है, सो ही इज ब्रेक इवन होल द ईयर, मतलब उसे पूरे साल ना कोई नुकसान हुआ ना कोई फायदा हुआ, सो दिस इज कॉल्ड ब्रेक इवन, ना नुकसान होना ना फायदा होना, सो दिस इज कॉल्ड ब्रेक इवन. इज इट क्लियर और नॉट. तो चलिए देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है ब्रेक इनटू. तो देखो गाइस, अब यहां पर मैंने एक वर्ड आपको बताया था ब्रेक इन, यहां से देखो ये हाइफन के साथ है, ध्यान रखिएगा, ये नाउन है क्योंकि हाइफन लगे हुए इसमें साथ में, तो हाइफन के साथ है. सो हम यहां पर बोले थे ब्रेक इन, ब्रेक इन का मतलब क्या होता है, जबरदस्ती कहीं पर एंटर कर देना, बिना परमिशन के एंटर कर देना, इलीगल तरीके से यहां पर कहीं पर भी एंटर कर लेना, दैट इज कॉल्ड ब्रेक इन. सेम मीनिंग यहां पर किसका होता है, ब्रेक इनटू का होता है. तो ब्रेक इनटू का मतलब भी सेम यहां पर है कि भाई अगर आप किसी चीज में, किसी ऑफिस में, किसी पर्टिकुलर जगह पर बिना परमिशन के इलीगल तरीके से अगर आपने एंट्री की हुई है, सो दैट इज कॉल्ड ब्रेक इनटू, ठीक है. तो हम लोग क्या कहेंगे वहां पे, ब्रेक इनटू मतलब इलीगल तरीके से कहीं पर एंटर हो जाना, सो दैट इज कॉल्ड ब्रेक इनटू. सो गाइस आई होप कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी यहां पर, और अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन या डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं आपकी क्वेरीज को वहां पर सॉल्व कर सकूं, ठीक है. और जो मल्टीपल वीडियोस आपके वोकैबुलरी प्रपोजिशंस के और वीडियोस यहां पर अवेलेबल है, सो यू कैन गो थ्रू द वीडियोस एंड यू कैन वॉच देम. और अगर कोई भी डाउट या कंफ्यूजन होता तो पुट योर कमेंट इन योर